जूना अखाड़े की प्रवेशाई के साथ ही आज से उज्जैन में लगे सिंहस्थ महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। सैकड़ों की तादाद में जूना अखाड़े के प्रमुख और अन्य संत भव्य जुलूस में शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जोरों शोरों से प्रवेशाई का स्वागत किया। हिंदुओं का पवित्र पर्व होता है आस्था का महाकुंभ। कहा जाता है कि श्रद्धा के इस पर्व में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक देवताओं और दानवों के समुद्र मंथन के दौरान अमृत से भरा कुंभ मिला। देवता इसे दानवों के साथ बांटना नहीं चाहते थे, जिस कारण स्वर्ग में 12 दिन तक दोनों के बीच संघर्ष चलता रहा और इस दौरान कलश से छलक कर अमृत की बूंदें हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में गिरी। उसके बाद से इन चारों जगहों पर कुंभ मनाया जाने लगा। माना जाता है कि सिंह राशि में बृहस्पति के स्थित होने के कारण उज्जैन में होने वाले कुंभ पर्व को सिंहस्थ के नाम से पुकारा जाता है, जो 12 वर्षों के अंतराल के बाद मनाया जाता है। इस साल इस आयोजन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने विशेष प्रबंध किए हैं। शिप्रा के तट पर होने वाले इस आयोजन में लाखों लोगों के आने की संभावना है। प्रदेश सरकार पहली बार महाकुंभ के बाद बौद्धिक कुंभ का आयोजन भी कर रही है। कुंभ की शुरुआत को लेकर कई लोक कथाएं प्रचलित हैं, पर आधिकारिक रूप से इसका पहला उल्लेख सुप्रसिद्ध कलाविद डॉक्टर आनंद कृष्ण के पास उपलब्ध दस्तावेज से मिलता है। उनके पास मालवा कलम का एक मुगल कालीन चित्र है, जिसमें दिखाया गया है कि शिप्रा तट पर साधुओं के दो दलों में युद्ध हो रहा है, जिसे अकबर निरपेक्ष भाव से देख रहा है, मानो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, इसीलिए वो मूक दर्शक बना हुआ है। वैसे सिंहस्थ कुंभ की राजकीय व्यवस्था का विधिवत संदर्भ मराठा काल से भी मिलता है। महाराजा राणोजी शिंदे के राज्य काल में सिंहस्थ मेले की प्रतिष्ठा और राजकीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी।